मेरी एज 19 इयर्स है। लास्ट मैं कोटा राजस्थान से हूँ। लास्ट 15 इयर्स से मेरे स्पेक लगा हुआ है। फिर बचपन से ही बहुत प्रॉब्लम्स थी आई इसको लेके कि स्पेक लगा हुआ है, स्पेक बार बार हटाना पड़ता था, बार बार लगाना पड़ता था। उसके बाद मैंने सुना सूर्याई हॉस्पिटल के बारे में, फिर मैंने डॉक्टर सुरेश पांडे विदुषी पांडे जी से कंसल्ट किया इसके बारे में। मेरा नंबर बचपन से लेकर अब तक -7 हो चुका था। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के बारे में तुम्हारे बारे में क्या क्या होगा, इस ऑपरेशन की प्रोसीजर पूरा कि इसके दौरान क्या क्या होगा। बहुत हेजिटेशन थी उससे पहले कि क्या 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 प्रॉब्लम्स होगी, कितना दर्द होगा, क्या चश्मा वाकई में हट जाएगा या नहीं हटेगा। उसके बाद जब ऑपरेशन के लिए मैं आई यहाँ पे तो तब भी थोड़ी सी हेजिटेशन बनी हुई थी। फिर जब मैं ऑपरेशन के लिए गई उस दौरान भी थोड़ा सा डर लग रहा था, बट जब उन्होंने ऑपरेशन पूरा कंप्लीट कर दिया बिल्कुल भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद आफ्टर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे चश्मे विद स्पेक में देखती थी पहले, विदाउट स्पेक भी बिल्कुल वैसे ही लगा जैसा पहले लगता था। और इतनी अच्छी फीलिंग्स थी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं दिल से बहुत थैंकफुल हूँ विदुषी पांडे जी का क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत जो भार था मेरे सर पे चश्मे का वो कम कर दिया बहुत ज़्यादा। और ये मेरे पूरी लाइफ टाइम शायद मेरे लिए सबसे बड़ी जो सबसे बिग डे जो मैं कह सकती हूँ बिग डे था और मैं बहुत दिल से थैंकफुल हूँ सूर्य हॉस्पिटल का। मैं हेमंत शर्मा हूँ, बसंत विहार में रहता हूँ और दैनिक भास्कर में डिप्टी न्यूज एडिटर हूँ। मेरी बेटी बचपन से ही है जो मायोपिया जिस बीमारी को कहते हैं मायोपिया एस्टिगमेटिज्म बीमारी से पीड़ित थी और कहते हैं ना फर्स्ट से इसके चश्मा लगा हुआ था। पिछले दिनों जब मैंने सुना सुई और नेत्र चिकित्सालय में पांडे डॉक्टर पांडे जो नई मशीन लेकर के आए हैं और उससे चश्मा हटा रहे हैं तो मैंने भी इनसे कंसल्ट किया। उन्होंने मेरे को मशीन के बारे में ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बताया तो मैं तैयार हुआ। मैंने कहा नहीं मेरे को भी है ना जो कस्टम यूलेसिक ऑपरेशन कराना है बेटी का, हम इनको लेकर गया है बेटी को। जब इसका ऑपरेशन होकर कि ऑपरेशन में जाने तक मैं भी बड़ा हमें जो कहते हैं ना कि डिटेशन में था, डर था मेरे पता नहीं क्या होगा, ये देख पाएगी नहीं देख पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसने ऑपरेशन करने के बाद में उठ के इसने दूर से मुझे पहचाना, मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। मतलब मेरी आँख से आंसू निकल गए कि वास्तव में मैं जो अपनी भावना प्रकट नहीं कर पाया, मतलब आँख से जो मेरे आँख निकल गए, मतलब मेरे पूरा परिवार आज इतना खुश है। मैं आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सुरेश पांडे एंड विदुषी पांडे कि इन्होंने मैं इतने साल से जो मेरी बेटी भुगत रही थी उसको दूर किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज जब दिखाया दोबारा और इसका सब कुछ ओके है तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ जितने भी बच्चे हैं उन्होंने भी अगर उनके भी नंबर बड़े हैं तो ये मैं जो ऑपरेशन करवाएं डॉक्टर पांडे जी से कंसल्ट करें और कहीं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब कहते हैं कि राजस्थान में एमपी में जो मशीन नहीं हुआ हमारे कोटा में है और जो फैसिलिटी के लिए हम दूसरी जगह जाएँ उसके बजाय कोटा में हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। और जो बच्चे जो बरसों से ना जो इस एक ढोरे हैं एक चश्मे की बोझ को और परेशान हैं उनको मतलब कितनी पीड़ा होती है। मैं मेरी बेटी को देखता था कि वो बिना चश्मे के इतनी दूर तक नहीं देख पाती थी, सुबह उठते ही ना जो पहले सबसे पहले चश्मा टटोलती थी आज उससे इसको मुक्ति मिली है। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, पांडे जी का, विदुषी पांडे जी का। और मैं तो चाहूँगा कि इसी तरीके से ये ना जो लोगों को बच्चों को रोशनी देते रहें। थैंक यू।